नमस्ते, जय हिंद, स्वागत है आपका डाउट क्रिकेट्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल। मोहाली के मैदान पर रोहित शर्मा और एरोन फिंच टॉस करने आए तो कंगारू टीम के कप्तान फिंच भैया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आए तो टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावर प्ले के अंदर ही रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट गिर गया। फिर उनके बाद राहुल, नाम तो सुना ही होगा, केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, जिनमें 3 शानदार छक्के और 4 चौके शामिल थे। उसके बाद बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव ने क्या बल्लेबाजी की। उन्होंने मात्र 25 गेंद पर 46 रन बनाए, वह अपनी पारी में 4 छक्के और 2 चौके भी लगाए। उनके बाद बैटिंग करने आए कुंफू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या ने क्या बैटिंग की। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 71 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिनकी पारी में 5 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और हार्दिक पांड्या के 71 रनों की पारी से टीम इंडिया का स्कोर 208 तक पहुंचा दिया। दूसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने आए तो पावर प्ले के अंदर सिर्फ 1 विकेट गवाया एरोन फिंच का। उनका विकेट अक्षर पटेल ने लिया। उसके बाद स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर तक होते होते टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। और उनके बाद कैमरन ग्रीन का शिकार अक्षर पटेल ने किया। कैमरन ग्रीन ने अपनी पारी में 4 छक्के और 8 चौके की मदद से 61 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिए, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। उसके बाद 12वां ओवर फेंकने आए उमेश यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम की वापसी कराई थी। और उस ओवर में स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लेकर टीम की वापसी कराई, लेकिन उसके बाद मैथ्यू वेड बल्लेबाजी करने आए तो कोई भी गेंदबाज उनका विकेट नहीं ले पाए और 21 गेंदों में 45 रन बना के टीम को जीत दिलाकर वापस लौटी। और एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने 19वां ओवर फेंकने आए, उस ओवर में 16 रन लुटा दिए। आखिरी ओवर में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर फेंकने आए युजवेंद्र चहल ने पहले ही गेंद पर टीम डेविड का विकेट लिया और उनके बाद पैट कमिंस ने आकर पहले ही गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। भारत इस सीरीज में 0-1 से पीछे हो गया है। अगला मुकाबला 23 तारीख को नागपुर में खेला जाएगा। इंडिया के दोनों आने वाले मुकाबले नॉकआउट मुकाबले हो गए हैं। आपको क्या लगता है, 23 तारीख को इंडिया वापसी करेगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो देख कहां से रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और 4 लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।